जैसे धीरे धीरे बिल्व पकता है, हरीतिमा कम होती है, कठोरता खत्म होती है, पीलापन आता है, आंतरिक मृदुता आती है और महाराज उसका कसैलापन जाता है तो मिठास आती है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में साधना करने पर धीरे धीरे माधुर्य भी आता है, धीरे धीरे मृदुता भी आती है और धीरे धीरे उसकी रंगत में भी परिवर्तन आता है। जिसके अंदर उस परासत्ता का कोई थोड़ा भी प्रभाव आने लग जाता है, उसके इन छिद्रों से, जैसे छेद वाले घड़े में दीपक जलाओ तो हर छिद्र से प्रकाश आता है, वैसे जिसके हृदय में वो घट में वो परमात्म सत्ता चैतन्य हो जाती है, प्रकाशमान हो जाती है, उसकी आंखों से भी प्रकाश की किरण दिखाई देगी, उसके कानों से भी प्रकाश की किरण दिखाई देगी, उसकी वाणी से, शब्दों से भी प्रकाश की किरणों का अनुभव होगा। माने छिद्र हैं, महाराज वेदज्ञ को पाप लगता है कि नहीं लगता? धृतराष्ट्र पूछते हैं। हां, जो आचारहीन है वो कितना भी बड़ा वैदिक क्यों ना हो उसको पाप लगेगा। आचारहीनम न पुनंति वेदाः न छंदांसि ब्रजिनान तारयंती मायाविनम मायया वर्तमानम। महाराज तपस्या के दोष क्या है? व्यक्ति तपस्या करे जिससे कि भगवत प्राप्ति हो, बोले क्रोध सबसे पहला तपस्या में आने वाला अंतराय है। क्रोध आपके तप को चट कर जाता है। दूसरा बड़ा अंतराय विघ्न है, आपकी तपस्या का विनाशक है काम। अब ये पहले और दूसरे और तीसरे का मतलब ऐसा नहीं कि काम वो क्रोध बड़ा है काम छोटा है। घड़े में छिद्र चाहे इधर हो जाए या उधर हो जाए, उद्देश्य मात्र एक ही है कि खाली होना है। ये काम बड़ा है, क्रोध छोटा है, लोभ बड़ा है, अमुक छोटा, ऐसा नहीं है। ये सब छिद्र हैं तपस्या को नष्ट करने के। तो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, चिकीर्षा माने बहुत कुछ करने की इच्छाएं, और निर्दयता है, निर्दयता कठोरता असूया है, दूसरे के गुणों में दोष देखने की आदत, अभिमान है, शोक है, स्पृहा है, ईर्ष्या है, निंदा है, ये बार है तपस्या को नष्ट करने वाले दोष बताए गए।